मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आ गया हूं आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स, नए वीडियोस लेके रिलेटेड टू आपके सब्जेक्ट्स से रिलेटेड बातें करेंगे, थोड़ी बहुत आपके एग्जाम से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें करेंगे और आज के दिन से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें करेंगे। आज का दिन वैसे देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव है, आज दशहरे का दिन है। आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आई होप आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तो आप इसे देखेंगे, इससे कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलनी चाहिए, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, हम देखते हैं आप लोग के बोर्ड के एग्जाम्स नजदीक आ रहे होंगे, 10th क्लास एंड 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। वैसे ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th और 12th क्लास के बच्चे ही देखें, सब लोग देख सकते हैं, सब बाकी क्लास के भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो बाकी स्टैंडर्ड्स के हैं लाइक 9th क्लास 11th क्लास, वो भी देखें इसे और समझें कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए अगर आपको स्कोर आपके मेंटेन रखने या फिर बढ़ाने हैं तो उसे, अगर आपको आपका ग्रोथ का रेट जो है वो हाई करना है तो आप कौन कौन सी चीजों का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आप ये ध्यान में रखो कि अभी अगर मंथ की बात करें तो मंथ देखो अक्टूबर चल रहा है, बहुत जल्दी ही ये टाइम खत्म हो जाएगा और अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ज्यादा डे इसमें बचे नहीं है, 4 to 5 days बचे हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, टोटल 4 महीने आपके पास पड़े हैं अगर हम 10th की बात करें, और अगर 12th की बात करें तो शायद 3.5 months ही उनके पास पड़े हैं क्योंकि 5th के एंड में उनके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम तो आपके पास है नहीं। सबके पास चाहे वो 10th का बोर्ड हो चाहे वो 12th का बोर्ड हो, सबके पास मुझे जहां तक लगता है कि 100 days है आपके पास। 100 days के अंदर आप जितना ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, जो जो स्टडी कर सकते हो वो आप करिए। कुछ चीजें आपने अभी तक स्टडी कर ली होगी, कुछ चीजों का आपका प्रिपरेशन हो गया होगा, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा उनको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज करके कंप्लीट कर लें ताकि आप आने वाले टाइम में ये जो बाकी 100 days है इसमें कुछ स्मार्ट वर्क करें और अलग तरीके से थोड़ा पढ़ाई का पैटर्न अपने बनाएं, थोड़ा स्टडी करने का थोड़ा अलग पैटर्न बनाएं जिससे आपके मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट हो और रिजल्ट भी आपका अच्छा बने। ठीक है, मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है स्टूडेंट्स कि जिनके इस टाइम तक रिजल्ट 60-65 तक मेंटेन रहते हैं, बट ये लास्ट के जो 3 महीने की मेहनत रहती है, ये 3 महीने की मेहनत उनको लेके चली जाती है मोर देन 80। तो मोर देन 80 या 82, 83 या 80 के क्लोज जाना ये भी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बहुत खराब है, अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट अगेन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं डिस्कस करूं तो स्टूडेंट्स बहुत, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो उसमें ये है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हमेशा जब भी वो पढ़ते हैं, जब भी वो स्टडी करते हैं तो अपना वही सब्जेक्ट उठाएंगे वो स्टडी करने के लिए जो वो लाइक करते हैं, जिसे वो पढ़ना पसंद करते हैं। बट आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता भी है कि आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं वो सिर्फ आपके उसी सब्जेक्ट के बेस पे तो नहीं आने वाले, आपको हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, आप आगे चल के किसी एक जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है उससे आप आगे की स्टडी करेंगे वो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट अभी जिससे आपका रिजल्ट मेंटेन होने वाला है उसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को सही तरीके से इक्वली टाइम देना पड़ेगा और उनके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज की कैसे कैसे आप सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। देखो पहले तो कुछ चीजें आप समझ लो बच्चों कि मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स तो पढ़ना नहीं है आपको, कैलकुलेट ही, मतलब कैलकुलेशन पार्ट पे ही जाना पड़ेगा, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना हो सके उतना टाइम प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं टफ हैं उनसे रिलेटेड और वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उनसे मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस ढूंढे उन्हें सॉल्व करें। ये उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो बहुत हाई स्कोर करने वाले हैं, बट वो स्टूडेंट्स जो अभी अपने आप उनके मार्क्स जो एवरेज हैं वो कैसे बढ़ाया जाए अगर उनके बारे में स्टडी करें तो सबसे पहले तो आप अपने टारगेट बनाना स्टार्ट करो। अब टारगेट दो तरीके से बनाते हैं बच्चे, जैसे कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ये चैप्टर इस वीक में खत्म कर लूंगा या 2 chapters इस वीक में हम खत्म कर लेंगे, बट उससे फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है? अगर आपने मान लीजिए उस वीक में वो 2 chapters खत्म कर दिया देन इट्स गुड, फिर तो कोई बात नहीं, बट होता क्या है एक्चुअल में सबके साथ ऐसा होता नहीं है, सब इतने सीरियस होते नहीं है कि वो दो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए पूरा वीक वो मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है या फिर मन नहीं होता उस टाइम पे पढ़ने का। तो मैं बस यही चाहूंगा कि आप इन सब चीजों से थोड़ा सा अगर हम साइड में थोड़ा अलग प्लान बनाएं तो शायद ये आपके लिए वर्कफुल होगा। वो प्लान कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आपको पता ही होगा कि अगर आप मान लो कोई एक चैप्टर के बारे में सोचते हैं और आप ये सोचते हैं कि एक हफ्ते के अंदर मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, तो एक हफ्ते में जैसे मान लीजिए आपने मंडे को प्लान बनाया, फिर मंडे अगर आपका गलती से चला गया, पास हो गया, आपने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, तो आपका माइंडसेट ये रहता है कि नाउ आई हैव 6 more days, अभी भी आपके पास 6 दिन पड़े हुए हैं, ये 6 दिन का यूज करके आप वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। बट आप ये बिल्कुल ध्यान में रहता है आपके कि 6 दिन बचे हुए, बट आप ये नहीं सोचते कि आपका 1 दिन चला गया है,
ऐसे करते करते 2 से 3 दिन और अगर चले गए तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट होने से रह गया। मतलब आपका खुद का बनाया हुआ टारगेट, जो आपने खुद बनाया टारगेट था कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये चीजें स्टडी करनी है, ये मुझे इस वीकेंड तक कंप्लीट करना है, वो खुद ही आप टारगेट बना के खुद ही उसमें फेल हो। तो ये सब चीजें ना करें। मेरा ये मानना है कि आप वीकली टारगेट बनाने से अच्छा है आप डेली टारगेट बनाएं। आपका टारगेट डेली का होना चाहिए। डेली का टारगेट मतलब आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा चैप्टर डिसाइड करो, आप यही डिसाइड करो कि इस सब्जेक्ट का इतना पार्ट मुझे आज कंप्लीट करना है। जितना आपको लगता है हाँ कंप्लीट कर लोगे अगर सीरियसली पढ़ाई करते हो तो, वो उतने पार्ट को कंप्लीट करो। दूसरे दिन आपका नया टारगेट आना चाहिए ताकि अगर फर्स्ट डे गलती से भी आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरे दिन नए टारगेट आने का एक नया टेंशन आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो टाइम है उसका सही यूज होना चाहिए डेली, डे बाय डे। मतलब अभी जो आपके 100 डेज बचे हुए हैं, ये 100 डेज का एकदम ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि उसमें एक आध दिन आपका मिस हो जाए, पास हो जाए तो उससे काम चल जाएगा। नहीं देखो बच्चों, रिजल्ट अगर मेंटेन रखना है, बढ़ाना है, अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी होगी। कोई भी टीचर अगर आपको ये बोलता है, या फिर वैसे कोई टीचर बोलेगा नहीं, बट अगर आपको कहीं से ये सुनने में भी आता है कि नहीं बिना मेहनत करके भी मार्क्स लाए जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई मेथड ही नहीं है जिसके थ्रू आप बिना स्टडी करते हुए और ये ऐसे इधर उधर से थोड़ा बहुत पढ़ के आप पास हो सकते हो। हो सकता है आपका लक अच्छा रहा तो थोड़े अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, बट अगेन बात वही है कि आपको लाइफ में और आगे जाना है और आगे चीजें मिलने वाली हैं। तो अगर आप पहले नहीं पढ़े रहोगे तो यही प्रॉब्लम आप फेस करोगे आगे के स्टैंडर्ड्स में। लाइक जब आप 11th में, अगर आप 10th में हो तो जब 11th में जाओगे तब, या 12th में जाओगे तब, अगर आप अभी 12th में हो तो जब आप ग्रेजुएशन में अपने जाओगे तब। तो कुछ चीजें तो आपके माइंड में एक फिक्स हो जानी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ चीजों को लेकर सीरियस रहना है। अभी जो ये 100 डेज है, इन 100 डेज का अपना एक प्लान बनाइए आप कि इस 100 डेज में सबसे पहले प्राइमरी अपना रख लीजिए कि प्राइमरी मेरी स्टडी ही, मेरा डेली का एक टारगेट होगा और वो टारगेट मेरा डेली कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो चीजें कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं जो मैंने जितना टाइम मैंने डिसाइड किया था उतने टाइम ये कंप्लीट नहीं हुआ है बट कंप्लीट होना चाहिए था, तो आप उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लीजिए। जैसे अगर आप एक्स्ट्रा टाइम कहां से मिलेगा वो भी आपको ही सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे आप कि मान लीजिए आप सपोज करिए 7 आवर्स 7 1/2 आवर्स 8 आवर्स सोते हैं, उसमें से 1 आध घंटा कम करिए ये 100 डेज के लिए। देखो सीरियस नहीं होंगे क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप लोग को, अगर आपको मैं बताऊं इस टाइम पे 2 सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे होंगे। टाइम का सबसे पहले कि अगर आप मान लीजिए सपोज करिए कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाके अगर सपोज करिए हाफ डे तो आपका कॉलेज में ही चला जाता है पूरा आधा दिन, बाकी बचा हुआ आधा दिन आपका कोचिंग सेंटर में चला जाता होगा आप सबका, फिर बचे हुए टाइम में आपका कंप्लीशन रहता होगा तो कंप्लीशन करते करते फिर आपका वो टाइम आ जाता है जिस टाइम पे आप सोते हैं। तो सब मिला जुला के देखा जाए तो टाइम का इशू सबसे ज्यादा आपको हो रहा होगा। आप यही सोचते होंगे हाँ मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम रहता तो मैं शायद इन सब चीजों को टैकल कर लेता, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पास टाइम कम है और काम आपके पास ज्यादा है। तो इसको कैसे आप मैनेज करोगे, वही कुछ चीजें हैं कि जहां से भी आपको लगता है हाँ मैं यहां से टाइम चुरा सकता हूं, आप वहां से बिल्कुल टाइम को एडजस्ट करिए, वहां से चुराइए, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी स्टडी को दीजिए अभी ये 100 डेज में। कुछ डाउट्स आ रहे हैं बच्चों, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब आपको डाउट आते हैं तो आपको लगता है हाँ वो टॉपिक आपका रह गया। अगेन डाउट आ रहा है तो उसे सर्कल मार्क करें, दूसरे दिन ही उसे जाके क्लियर करें। पहला स्टेप तो ये, पहला स्टेप आपको क्या लेना है अगर सब मिला जुला के जितना भी मैंने बताया अभी तक, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि आप डेली टारगेट बनाएं, वीकली टारगेट या मंथली टारगेट आप छोड़े, डेली का डेली आप अपना टारगेट बनाएं और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें डेली। मैं मानता हूं कि पहले दूसरे तीसरे दिन शायद तुमको आपको इशू थोड़ा जल्दी कंप्लीट ना हो पाए, बट जैसे जैसे आपकी आदत बन जाएगी आप धीरे धीरे अपने डेली के टारगेट को अचीव करने लगेंगे। थोड़ा और हम समझते हैं कि पहला स्टेप अगर ये है तो उसके बाद दूसरा क्या करें। दूसरा ये प्रॉब्लम आती है बच्चों आपको कि पढ़ी हुई चीजें याद कैसे रखें। एक बार पढ़ लिया फिर उसके बाद 10 दिन बाद अगर वही चीजें फिर से आपसे पूछी जाए तो आपको भी पता है कि हाँ उसमें से 7 अगर आपने 100% कोई चीज पढ़ी है उसमें से 50% आपको याद रह जाती है बट 50% आपके दिमाग से चली जाती है। तो चली इसलिए गई क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया। अब मेन है कि रिवाइज के लिए टाइम कब निकाला जाए, तो रिविजन के लिए अगर आप ढंग से स्टडी कर रहे हो बच्चों, ढंग से स्टडी मतलब अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो विथ कंसेप्ट, सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे हो ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो, कंसेप्ट के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे हिसाब से रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है। जिस टाइम पे आप सोते हो उस टाइम पे जैसे ही आप सोने जाते हो तो सब मुझे भी पता है आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि आप बेड पे गिरते ही तुरंत आपको नींद आ जाती है, नहीं कम से कम 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वही 15 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोचो कि आज के दिन में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ा। आप बिल्कुल पूरे दिन भर में अगर देखेंगे तो 15 मिनट बहुत होते हैं, 15 मिनट्स बहुत होते हैं कि पूरे दिन में ये याद करने के लिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। एटलीस्ट आपको
पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या आपने पढ़ा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम के टाइम जाओ तो आपके लिए न्यू ना रहे, फिर से आपके लिए वो नोन रहे कि हाँ ये चीजें मैंने पढ़ी हुई है, इसके इन बिटवीन द लाइन्स मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं जाके एग्जाम दे सकता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि रिविजन करने का एक डेली रिविजन इससे हो जाएगा। आप डेली जो भी टारगेट बनाओ या डेली जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाई की गई हो या फिर आपके कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाया गया हो उनके बारे में 15-20 मिनट जरूर सोचें क्या पढ़ा था क्या नहीं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरे डे आपने ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है। अब बस खाली आपको उसको दिमाग अपने ब्रेन के अंदर रिकॉल करना है, रिकॉल करो उसको, देखो क्या क्या चीजें आपने पढ़ा था, क्या क्या चीजें उसमें से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद कोई भी एक, मान लो आप रिवाइज कर रहे हो पूरे डे में, पूरे जितना भी डे में फॉलो किया है उन सब चीजों को आप रिवाइज कर रहे हो, और करते टाइम सपोज करो कोई एक ऐसा पॉइंट आपके पास आ गया जो आपको याद नहीं आ रहा है। हाँ सर ने पढ़ाया तो था, मैंने पढ़ा भी था, मुझे समझ में भी आया था, बट प्रॉब्लम यह है कि वो चीज क्या थी वो याद नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसका टेंशन ही मत लो कि हाँ मुझे नहीं आ रही है चीजें या आज दिन में जो पढ़ाओ, जरूरी नहीं है कि 100% चीजें आपको याद हो, बिकॉज ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, कोई मतलब गॉड नहीं है, यहाँ पे सब इंसान है। इंसानों के अंदर ये प्रॉब्लम आना बहुत कॉमन है कि हाँ ऐसी चीजें हो सकती है कि आपने जो पढ़ा सब कुछ याद ना रहे, कुछ चीजें छूट जाए। तो जैसे ही कुछ चीजें छूटे आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये रखो कि सुबह उठते ही सबसे पहले उसे देखना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता है, बस खाली आपको रिकॉल नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में क्लिक नहीं हो रहा है कि वो था क्या उसे। तो सबसे पहले तुरंत सुबह उठ के सबसे पहले उसी को देखो फ्रेश माइंड के साथ। जैसे ही आप उसे देखोगे आपको वो सारी चीजें याद आएंगी कि हाँ ये चीजें हुई थी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ये रिविजन का बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे चीजें हमें ध्यान में रहती है। बाकी तो डिपेंड करता है बच्चों आपकी प्रैक्टिस पे। तो ये दो चीजें तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस 100 डेज की प्लानिंग के लिए। 100 डेज मतलब 100 के 100 दिन का आपका एक हर दिन का एक कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए जिसे आप कंप्लीट करोगे। कंप्लीट नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, उसे आप टाइम जहां से भी चुरा सकते हो वहां से उठाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसका पूरा का पूरा स्टडी के पीछे भागते रहो, अपनी मतलब थोड़ा भी माइंड को पीस ना मिले ऐसा नहीं। आप अपने कॉलेज में जाते हो तो आपको ही पता है कुछ टाइम पे आप क्या कर रहे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ एकदम सब आपको पता है अच्छे से क्लियर। आप जहां लगता है आपको खाया हाँ एंजॉय करना है वहां करें, बट आपका डेली वाला टारगेट आपके ब्रेन में रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास उसके लिए टाइम है या नहीं। अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकाले उसे कंप्लीट करें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको आपके मार्क्स बढ़ाने हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी स्टूडेंट हो जिनका एग्जाम आ रहा है मेरे हिसाब से उनका डेली का टारगेट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि दूसरे पॉइंट में आपको रिविजन करने का तरीका मैंने बताया कि कैसे रिवाइज करना। रिवाइज करने के लिए फिर से 1-1.5 घंटे आप बुक लेके बैठूंगा, डेली आज ही पढ़े हो तो आज उसको रिवाइज जरूर कर लो। सिर्फ 15-20 मिनट्स देखिए दिमाग ब्रेन के अंदर रिकॉल करो कि हाँ जो जो चीजें हमने पढ़ी थी क्या हम मुझे वो चीजें याद है, हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर याद आ जाती है चीजें तो समझ जाओ खाऊ का रिविजन हो चुका है। हाँ, पूरे वीक में जो आपने पढ़ाई किया, संडे का कोई टारगेट नहीं बनाएंगे तो चलेगा, संडे को आप एक काम जरूर करें कि जो भी पूरे वीक में पढ़े हो 2-3 घंटे दो और एक बार सब देखो कि आपने पूरे वीक में जो पढ़ा हो आपको वो चीजें आती है या नहीं आती। ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो विद इन 1 मंथ आपको आपकी स्टडी में और आपकी खुद की क्वालिटी में चेंजेस नजर आने लगेंगे। ये सब चीजें मतलब होना ही है, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तो आपको मिलने ही वाला है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखो, स्टडी कैसे करनी है स्टडी में, और कुछ और अच्छी चीजें जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि हर टाइम पे आपको जो आपके टीचर्स नहीं मिलते होंगे शायद जब आपको डाउट आता है या जब कॉलेज में रहते होता, तो मैं तो आपको इतना ही बताऊंगा कि उसके लिए भी प्लान करो। आपको अगर कोई चीज आती है कि हाँ आपको पता है ये चीज मुझे आती है और बट आपको लग रहा है हाँ उसका प्रैक्टिस करने में मेरा टाइम जा रहा है, फिर से मतलब मुझे आता है बट रिविजन करना है उसमें टाइम जाएगा मेरा, मैं उस टाइम पे कुछ और पढ़ लूंगा, बट रिविजन भी करना इंपॉर्टेंट है उसका, ऐसा तो नहीं है कि हम उसे छोड़ सकते हैं। तो आप एक काम करिए, आप अपने कॉलेज में रहते अपने कोचिंग में रहते जो भी फ्रेंड आपको लगता है जो आपके फ्रेंड है जिनको वो टॉपिक नहीं आता आप उनको वो टॉपिक टीच कर दीजिए। जिस दिन आपने कोई टॉपिक किसी अपने फ्रेंड को अच्छे से ढंग से टीच कर दिया, ये लिख के ले लीजिए कि वो बोर्ड तक आपको वो टॉपिक कम से कम बोर्ड आपके आने वाले बोर्ड तक तो वो टॉपिक आपके दिमाग से जाने वाला नहीं है। तो ये भी एक रिवीजन का तरीका है, इससे क्या होगा कि सामने आपका फ्रेंड को वो चीजें समझ में भी आ जाएंगी और आपका साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि आप उसे टीच कर रहे हो एज टीचर, तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, वहां से आप अपना टाइम थोड़ा बचा सकते हो रिवीजन का। तो रिवीजन मतलब स्मार्ट वर्क करो, सब मिला जुला के यही है कि स्मार्टली वर्क करो, ऐसा नहीं है कि जो चीजें आपको आती है उन्हीं के पीछे भागते रहो और पीछे बहुत सारी चीजें छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज कि जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है उनको कैसे बढ़ाते हैं,
उनको अगर बुक खोलते हो तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप बुक बंद भी कर देते हो। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए? तो उसको टैकल करने का एक ही तरीका है, सबसे पहली चीज कि उस चीज में इंटरेस्ट कैसे लोगे आप, इंटरेस्ट आए या ना आए, बट इतना तो बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि कंसेप्ट आप क्लियर रखो। अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखो और जब आप स्टार्ट करते हो पढ़ना, जब आपका फ्रेश माइंड रहता है उस टाइम पे, वो सब्जेक्ट अपने स्टडी के लिए उठाओ जो सब्जेक्ट आपको ऐसा, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे आप फ्रेश माइंड से पढ़ते हो तो जल्दी जल्दी थोड़ी ब्रेन के अंदर चीजें कैच होती है, तो आप उससे भी आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा कि हाँ चलो उस टाइम पे आपके हार्ड वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट होते जा रहे हैं। और जिस टाइम पे आपको ऐसा है कि हाँ उतना पढ़ने का मन नहीं है, उस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट्स उठा लीजिए जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी आता है, उसको स्टडी करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, उसका रिविजन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उन सब चीजों के रिविजन हो जाएंगे। तो ये तो थी जो लोग बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बोर्ड के लिए कुछ चीजें बहुत नेसेसरी है। क्या क्या चीजें? टाइम का मैनेजमेंट करना, डेली का टारगेट बनाना, और सेकंड पॉइंट कि कैसे उसको रिवाइज करना है। एक और चीज मैं बच्चों बोलूंगा कि जब भी कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है तो आप उसका रिटर्न प्रैक्टिस एक बार जरूर करें, उसको आप लिख के जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बुक देखा, ओपन किया, हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, सब करते हुए चले गए, और बाद में जब आपको लिखने का टाइम आया तो आपके दिमाग में सारी चीजें मिक्सअप हो रही है या फिर कुछ कुछ चीजें आप भूल रहे हो। ये तभी होता है जब आपने उस चीज को कभी लिखे नहीं। तो आप एक काम करो, जो भी चीजें स्टडी कर रहे हो उनको राइट डाउन करो, उनको एक बार देखो कि पहले एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद उसे राइट डाउन करो बिना देखे। अगर आप पूरा लिख लेते हो इसका मतलब है कि आपको चीजें समझ में आ गई है, अब बस एक रिवीजन की जरूरत है। टाइम टू टाइम, हर एक इंटरवल पे थोड़े बहुत टाइम बाद एक एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, तो आप रिवाइज करते रहोगे, आपका टॉपिक भी कंप्लीट होते रहेगा। तो गाइस मेरे हिसाब से ये कुछ चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखें, ये आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और सीरियस हो जाए गाइस, किसी की भी कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिंपल बताऊं तो ये टाइम ऐसा आपका चल रहा है, इस टाइम पे अगर आपके सामने कोई कुछ भी बोलता है कि हाँ चलो ये काम कर लेते हैं, चलो ये काम कर लेते हैं, इवन आपके घर वाले भी अगर बोलते हैं कि नहीं यार ये काम कर लो, ये काम कर लो, अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट बीच में आ रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल सबसे प्राइमरी आप डिसाइड किए हो जिसे अपनी स्टडी को पहले वो कंप्लीट करो, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी पे आनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को बताइए उस टाइम, अगर मान लीजिए कोई काम आ रहा है तो, वैसे अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल उनकी हेल्प करें, बट अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल उन्हें बताइए कि मेरा कुछ पार्ट बाकी हुआ है, पहले मैं इतना पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं वो काम कंप्लीट कर लूंगा, अगर ऐसा मैनेज हो सकता है तो। बट हाँ, आप इस चीज को जो प्राइमरी सेलेक्ट करके रखे हो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। उस टाइम के बाद देखो कैसा होता क्या है कि जब आप 100 डेज के बाद या 3 months 4 months के बाद जब आप एग्जाम दोगे, तो एग्जाम देने के बाद एक बार आप एग्जाम देके आ गए ना, तो आप सिर्फ इंतजार रहेगा रिजल्ट का, और रिजल्ट के आने के टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि अगर मैं चाहता या मैं चाहती तो मैं इतनी चीजें और कर सकती थी। उस टाइम पे सोच के कुछ मतलब नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपका प्रिंट हो चुका है, रिजल्ट आपके पास आ चुका है, उसी के बेस पे आपका एडमिशन। तो वो चीजें तब सोचने से अच्छा है कि अभी ही आप थोड़ी बहुत चीजें उसके अंदर से सोच लो, कैसे कैसे मुझे छोटी छोटी चीजें कंप्लीट करनी है वो देख लो। एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लास्ट 5 years के पेपर, क्वेश्चन पेपर जरूर उठाएं, उनमें से वो क्वेश्चन पेपर आप जरूर सॉल्व करें, 50% आपकी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो। एक आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जब आपको आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तब आप और स्टडी करते हो। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है। तो आप ऐसा ना करें, सबसे पहले 5 साल का क्वेश्चन पेपर भी सेट अपने पास रखें, इंटरनेट पे अवेलेबल रहता ही है, चाहे वो 12th के बोर्ड का हो चाहे वो 10th के बोर्ड का हो, आप उसे उठाइए डाउनलोड करिए। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मोबाइल में उसे रखिए, मैं तो ये आपसे बोलूंगा कि आप उसका प्रिंट आउट निकालें और उसको मतलब एक एक करके उसमें से जो जो टॉपिक्स आपको आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। वो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट। आप अगर देखोगे 5 साल के क्वेश्चन पेपर तो उसमें से बहुत सारी चीजें रिपीट पे आती, मतलब एक बार भी पूछा गया, फिर दूसरी बार भी, फिर तीसरी बार भी, फिर एक आध साल नहीं पूछा गया, फिर से पूछा गया। तो इसका मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपको पूछे जाते हैं, वो आपके कवर हो जाते हैं। तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है हाँ चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से कम कुछ नहीं तो एटलीस्ट 30% तो एग्जाम में आने ही वाला है। 5 साल का अगर क्वेश्चन पेपर आप उठाओ और उसको देखो तो आप ये बिल्कुल ऑब्जर्व करोगे कि कम से कम 30% क्वेश्चन पेपर तो मैच करता है, कुछ नहीं तो कंसेप्ट तो तुरंत मैच हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये एक फायदा होगा कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। और आप हाँ, रिटर्न प्रैक्टिस अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका स्पीड भी मेंटेन होना चाहिए। मैं बहुत बार ऐसे बच्चों को देखा हूँ जो बच्चे आते हैं बोलते सर मुझे पूरा पेपर आ रहा था बट मुझे टाइम कम मिला। अच्छा, टाइम कम मिले से ज्यादा रीजन वो ये देते हैं कि सर पेपर लेंदी था।
एक्चुअल में देखा जाए तो जो बोर्ड वाले पेपर सेट करते हैं वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उन्हें पता है कि हाँ ये जो पेपर सेट हुआ है ये उतने टाइम में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल टाइम में कंप्लीट होना चाहिए वो पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट उसी पेपर को टाइम विद इन द टाइम कंप्लीट करते नहीं है, बट आपसे नहीं हुआ इसका मतलब आप स्लो पढ़े, आप स्लो हुए हो। पेपर लेंदी नहीं था, क्वेश्चन पेपर लेंदी नहीं था, आप स्लो हुए हो। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक ही चीज नहीं की। क्या नहीं की? रिटर्न प्रैक्टिस। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप रिटर्न प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दें, रिटर्न प्रैक्टिस ज्यादा करें। उससे दो फायदा होगा, एक तो आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी और साथ ही साथ बार बार अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। नहीं तो ऐसा होता है कि जब भी मैं बहुत सारे पेपर चेक करता हूँ तो उसमें होता क्या है कि पहले एक दो पेज में देखता हूँ बहुत अच्छे से लिखा रहता है, ऐसा लगता है कि मतलब देख के दिल खुश हो जाता है, बट जैसे ही दो से तीन पेज और जाते हैं धीरे 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 जैसे मैं एंड तक पहुंचता हूँ उसके बाद समझ में नहीं आता कि ये उसी स्टूडेंट ने लिखा है ये पेपर या कोई और लिख के दे रखा है। तो ऐसे में टीचर क्या होता है, टीचर के माइंड में क्या रहता है, हाँ स्टार्टिंग में आपने लिखा, स्टार्टिंग में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, फिर लास्ट में आपने अपनी हैंड राइटिंग बिगाड़ दी तो उसे लगता है हाँ पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है। फिर जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 3 मार्क आपको मिल रहे हैं, 2 मार्क मिल रहे हैं, जबकि आपने पूरा अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉस आपका है। मेरा ये मानना है कि जो चीजें आपको नहीं आती उसके मार्क्स आप डिजर्व नहीं करते। तो अगर गलती से इधर उधर से कहीं से भी उसके मार्क्स मिल जाए, 1 मार्क भी उस टॉपिक पे मिल जाए तो बहुत है, बट जो चीजें आपको आती है उसके 1 मार्क भी इधर से उधर नहीं जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको आती है तो उनका प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आंसर कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, और वो आपका अच्छा तभी होगा जो आप क्या करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। तो डेली बेसिस पे आप मैं बोलो डेली टारगेट बनाओ, उसे कंप्लीट करो, उसका रिटर्न प्रैक्टिस करो। रिटर्न प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत दूसरे पॉइंट पे आओ, रात को सोने से पहले कम से कम 15 to 20 मिनट्स में पूरे डे में क्या क्या हुआ उसको रिवाइज करो। और अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे रह जाते हैं कि रिवीजन करते टाइम माइंड में नहीं आ गए, क्लिक नहीं हो रहे, तो सुबह जैसे ही उठते हो सबसे पहला काम उन टॉपिक्स को देखो कि वो टॉपिक क्या था जो आपने पढ़ा। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है वहां पे तो फिर आप उस दिन के टारगेट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो कि आज का मेरा क्या टारगेट है और कैसे मुझे कम्प्लीट करना है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और भी मैं जैसे जैसे बोर्ड आते जाएगा कुछ ना कुछ वीडियो जरूर अपलोड करते रहूंगा इससे रिलेटेड कि कैसे आपको स्टडी करनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं एक वीडियो ये भी बनाने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, उस किस क्वेश्चन पे ज्यादा वर्क करना है, तो उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। जैसे जैसे बोर्ड आएगा मैं आपकी आपकी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ वीडियो जरूर लाते रहूंगा, उसमें कुछ ना कुछ मैं जरूर बताते रहूंगा कि कैसे कैसे चीजें टैकल करनी है। गाइस कुछ भी टफ नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि बोर्ड बहुत टफ हो रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। अकेले मैं बोल रहा हूँ आप बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे ना हो। क्यों? क्योंकि आप 10th में हो और वो 10th का ही सिलेबस है, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए ही बनाया गया। अगर आपसे नहीं हो रहा है इसका मतलब आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को थोड़ा सा मिनिमाइज करें और चल देखेंगे आपको खुद डिफरेंस दिखने लगेगा कि हाँ मेरी चीजें फिर से राइट पाथ पे आ गई और सही तरीके से चल रही है। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास अभी भी इतना नहीं है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। यू हैव 100 डेज लगभग, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 100 डेज है। 100 डेज का प्लान बनाइए ढंग से, और 100 डेज का मतलब प्लान कैसा, डे बाय डे का बनाइए कि आज मुझे क्या कंप्लीट करना है, कल मुझे क्या कंप्लीट करना है, परसों मुझे क्या कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, रिटर्न प्रैक्टिस करिए, कंप्लीट हो जाए साइड में रखिए। मतलब माइंड इतना फोकस कर लीजिए ये 2 से 3 महीने कि मतलब बाकी सारी चीजें साइड में रहनी चाहिए, कुछ और देखना आपने अभी तक क्या किया, कितनी पढ़ाई की, क्या नहीं की, सबको साइड में रखो। आज से ही ये डिसाइड कर लो कि आज से मुझे कुछ एक पैटर्न पे जाना है, एक चीजें मुझे पढ़नी है, उनके ऊपर डिस्कस करना है, दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, थोड़ा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है उसकी। जैसे ही कंप्लीट होते जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते चला जाएगा। और रियली स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एग्जाम आपका कंप्लीट होगा आप रिजल्ट के दिन, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा आपके रिजल्ट में। मैं बोर्ड के रिजल्ट की तो बात क्या ही करूं, अगर आप आज से इसको फॉलो करते हो तो 1 महीने बाद जो आपके कॉलेज में आपके स्कूल में जो भी यूनिट टेस्ट होगा ये सब उसमें भी आपको चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे। कुछ चीजें मैंने ये भी देखा है बच्चों को, जैसे मैं बात करूँ फिजिक्स के पेपर, अगर मैं 12th के फिजिक्स के पेपर की बात करूँ तो 12th में ये फिक्स है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आते ही हैं, तो बच्चे क्या करते हैं वो थ्योरी पढ़ के जाते हैं और न्यूमेरिकल्स नहीं करते। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं होते बच्चों, बस 1 से 2 दिन की अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आप उसे करिए क्योंकि वो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाते हैं। आप थ्योरी एक बार करेंगे उसके 4 मार्क का क्वेश्चन है आपको उसमें 3 मिलेंगे, 3.5 मिलेंगे, थोड़ा बहुत गलत हो गया 2.5 पे आप चले जाओगे, बट न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज होती है कि अगर न्यूमेरिकल आपका पूरा करेक्ट हुआ तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं।
तो ये एक अच्छा होता है कि आप कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कई बार कि स्टूडेंट्स बच्चे आके बोलेंगे हाँ मैंने पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट किया, और दूसरा भी उसका एक फ्रेंड रहेगा वो भी 100% पेपर अटेम्प्ट करेगा, इसको मार्क्स मिलेंगे 100 में से मान लो 84, तो इसको मिल जाते हैं मार्क्स। ये डिफरेंस क्यों आया, या 70 मिल गया, ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसीलिए आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए और किस टाइप के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, आपके मार्क्स कहां कहां से डिडक्ट हो गए और इसके मार्क्स कहां कहां एक्स्ट्रा मिल गए। क्यों? क्योंकि उसने शायद अपने अपने क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान दिया होगा। न्यूमेरिकल करेक्ट होने पे मैं अगेन बोल रहा हूँ जो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। और हाँ, मुझे पता है बहुत लोगों को टफ जाता होगा न्यूमेरिकल, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ डाउट रहे कि हाँ, अगर आपको लगता है हाँ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं समझ में आते, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिए, कमेंट में डालिए, मैं उसके उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को समझा जाए, कैसे उनको टैकल किया जाए, इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं बस इतनी ही बातें करना चाहूंगा। वंस अगेन हैप्पी दशहरा गाइस, सबके सबको। आप इस दिन के पॉजिटिविटी को लेते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, मेरी यही मनोकामना है और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। आप बहुत अच्छा स्कोर करें अपने 10th के बोर्ड में भी, जो लोग 10th दे रहे हैं, और जो लोग 12th का बोर्ड दे रहे हैं वो 12th में अच्छा स्कोर करें। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी मनोकामना है और ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और साथ ही साथ जो लोग 9th में है, 11th में या बिल्कुल चौबे वो वीडियोस देख रहे हैं, तो बिल्कुल उनके लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा, बल्कि 9th एंड 11th वाले स्टूडेंट्स, अगर आप अभी से ये चीजें फॉलो करते हो तो आपको अगले साल मिलने वाला है बोर्ड, और तब तक तो आपकी काफी अच्छी तैयारी चल रही है, आपका पैटर्न ऑफ स्टडी जो है वो काफी अच्छा चलता रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, डे बाई डे आपके अंदर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो गाइस बस इतनी ही बातें करनी है। अगर कुछ और चीजों से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे बताना, मैं अपलोड करूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको चीजें पसंद आई या नहीं आई। आप इनको एक बार फॉलो करके देखो, नहीं ज्यादा दिन तो एक हफ्ते फॉलो करके देखो, अगर आपको लगता है हाँ इससे फर्क पड़ रहा है, इससे मेरी मतलब मेरा नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, मेरी स्टडी फास्ट हो रही है, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करके बताएं, मैं और भी वीडियो से रिलेटेड अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ अलग कंसेप्ट के साथ, और देखेंगे कि वहां पे हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। ठीक है।